क्या देखने वाले हैं आज हम लोग? बोले सभी लोग। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जियोग्राफी का मतलब सीधी सी बात होता है भूगोल। तो जियोग्राफी के अंतर्गत जो है कि हम लोग जिसका अध्ययन करने वाले हैं, जियोग्राफी का अगर साधारण सी बात कही जाए तो जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और ग्रेपो का मतलब होता है स्टडी। ग्रेपो का मतलब क्या होता है? स्टडी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्रेपो का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब कि हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करेंगे जियोग्राफी के अंतर्गत। लेकिन अपने आप में यह इसकी संपूर्ण परिभाषा नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल दूं कि जियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग जो है कि किसका अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, तो यह अपने आप में इसकी संपूर्ण परिभाषा नहीं है। अपने आप में यह इसकी संपूर्ण परिभाषा नहीं है। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मांड। तो अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड, जिसको कहा जाता है यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स आप लोगों का दो चीजों से मिल के बनता है, एनर्जी प्लस मैटर। तो हम लोग देखने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है? दूर दूर तक ये चारों तरफ जो फैला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। अगर इसकी शाब्दिक परिभाषा देना आज की डेट में बहुत ही कठिन है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी, लेकिन अगर विस्तृत तौर पर इसके पैमाने को नापने की कोई रूपरेखा नहीं बनी है तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स क्या है? जिसका आदि है न जिसका अंत है, जो अनंत है, जो परिकल्पनाओं से भी परे है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसे क्या कहा जाता है? उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? ब्रह्मांड। जिसका आदि है न जिसका अंत है, जो अनंत है, जो परिकल्पनाओं से भी परे है, यानी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है एनर्जी और दूसरा है मैटर। एनर्जी प्लस मैटर जब आपस में मिलते हैं तो इसको कहा जाता है ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि जियोग्राफी के बारे में किसने अध्ययन करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले यूनानियों ने इसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया। और सबसे पहले जो कोई कॉन्सेप्ट दिया गया था वह 140 ईस्वी में दिया था क्लॉडियस टॉलेमी महोदय ने। क्लॉडियस टॉलेमी महोदय ने पहली बार इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया, क्लॉडियस टॉलेमी ने। और इसको कहा गया जियो सेंट्रिक थ्योरी। जियो सेंट्रिक थ्योरी के नाम से जाना गया। जो सबसे पहले भूगोल के बारे में कोई अध्ययन का ज्ञान नहीं था, कोई जानता नहीं था भूगोल क्या है, लेकिन यूनानियों ने सबसे पहले भूगोल के बारे में जरा सा जानने की कोशिश की। और इसी समय जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया और पहला कॉन्सेप्ट दिया गया था उसको कहा गया था जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इसका मतलब यह था, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कि यह जो संपूर्ण हमारा सौर मंडल है वह किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वह जो है कि घूम रहा है किसके इर्द गिर्द? पृथ्वी के। एकदम बिल्कुल गलत, क्योंकि आज आप सभी लोगों को पता है कि आज बीच में नहीं है पृथ्वी, बीच में नहीं है, बीच में कौन है? सूर्य। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हुआ। और 1543 में आए कॉपरनिकस। कौन आया 1543 में? कॉपरनिकस। 1543 ईस्वी में आए कॉपरनिकस और इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको कहा गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी कहलाती है? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो आप जो है कि सोचिए, अंधकार में डूबा रहा इतने दिन तक संपूर्ण संसार, और जब आए 1543 में कॉपरनिकस तो इन्होंने इस अवधारणा का, जियोसेंट्रिक अवधारणा का खंडन किया और एक नई अवधारणा लेके आए जिसको कहा गया हीलियोसेंट्रिक। और बताया गया कि हमारे ब्रह्मांड यानी हमारे सौर मंडल जो है, सौर मंडल में सूर्य प्रधान है और सूर्य के चारों तरफ ही अन्य सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। और आज के डेट में आप सभी लोगों को भली प्रकार से परिचित है कि आज के डेट में यही कॉन्सेप्ट आपका मान्य है। अब इसके बाद जो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, जरा बात कर लिया जब भूगोल के कुछ सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहली चीज, अगर भूगोल के बारे में किसी ने अगर ज्ञान दिया था, उसका नाम था हिकेटियस। इसीलिए हिकेटियस कौन था? इसीलिए हिकेटियस को हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए
टीएस को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। हिपेटियस को कहा जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी। तो अगर पूछ लिया कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, यानी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिपेटियस को हम लोग भूगोल का जनक कहते हैं। किसे कहा जाता है? हिपेटियस। किस नाम से जाना जाता है? भूगोल का जनक। और अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, तो वर्तमान भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को हम लोग जो है कि वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। और व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछा जाए तो व्यवस्थित भूगोल का जनक है इरेगोस्थनीज। कौन है? मानव भूगोल का जनक था अलेक्जेंडर। कौन था? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और अगर पूछा जाए हम बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम बोल्ट किसका जनक है? अलेक्जेंडर वान हम बोल्ट वर्तमान भूगोल का, व्यवस्थित भूगोल का है इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज क्या है? यह आपका इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल का जनक है। और मानव भूगोल का जनक पूछा जाए तो मानव भूगोल का जनक है कार्ल रिटर। कौन है? कार्ल रिटर को हम लोग मानव भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। साधारणतः भूगोल को हम लोग दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है मानव भूगोल और दूसरे को कहा जाता है प्राकृतिक भूगोल। ठीक है, यानी प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो है कि झील का, नदी का, तालाब का, पहाड़ का, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, इसको कहा जाता है प्राकृतिक भूगोल। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो चीजें हैं, जो मानव के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं, मानव के रहने की दशाएं और उसके लिए जो एटमॉस्फियर यानी जो चारों तरफ का प्रभाव पड़ता है परिस्थिति का, उसके अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करते हैं वह मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ छोटी सी बात देखी कि जियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि ये ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड जिसका आदि है, जिसका अंत है, जो अनंत है, जो परिकल्पनाओं से भी